अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्तकबाल है आपका नजर इंडिया न्यूज में। और जिस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है लॉकडाउन के दौरान खाने पीने की, ऐसे कई परिवार हैं जो खाने पीने के लिए परेशान हैं, जिनके घर में दो वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल है। तो अब्दुल्ला फाउंडेशन एक ऐसी फाउंडेशन है जो कई दिनों से, कई सालों से लोगों की खिदमत कर रहे हैं ये, और उन्होंने यहाँ पर राशन का इंतजाम किया है। मैं जो भी मुमरा के मुखय्यर हजरात है, मैं उनसे अपील करता हूँ कि अगर आपको मदद करना है, जो कुछ भी लीडर है, सियासी लीडर है, जो चाहते हैं कि मदद करें, जिनके पास अच्छी खासी रकम है, वो इनसे रब्ता कायम कीजिए, अब्दुल्ला फाउंडेशन से। हम इस वीडियो में उनका एड्रेस भी डाल रहे हैं आपको, उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी डाल देंगे, और ज्यादा से ज्यादा इस फाउंडेशन के साथ आप जुड़िए, क्योंकि यहाँ पर ये राशन का इंतजाम करके दे रहे हैं लोगों को। हमारे साथ मौजूद है इसके कन्वीनियर अब्दुल्ला, जिनसे हम बात करेंगे। क्या क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ अब्दुल्ला फाउंडेशन के मेंबर के, जिन्होंने रात दिन एक करके इस मिशन को कामयाब बनाया। और हमने इस फाउंडेशन के जरिए हमने लोगों के लिए राशन का इंतजाम किया है, जिसमें 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, 2 किलो दाल और 2 लीटर तेल का इंतजाम किया गया है। तो कितनों को दे रहे हैं किट आप, दिन भर में कितने लोगों को किट दे देते हैं आप लोग? हमारा मकसद जो है वो लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचने का है, लेकिन इस वक्त हमने 200 से ज्यादा लोगों का हमने इंतजाम किया गया है, और कोशिश यही है कि सबसे ज्यादा लोगों को हम पहुंचा सके। जिसमें हम लोगों ने ये भी किया है कि जो पेशेंट है, जो कैंसर पेशेंट है, टीबी पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, और जो जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं, उनको हम सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनको जल्द से जल्द पहुंच जाए और ये राशन के जरिए वो अपने जरूरत रोजाना के इस्तेमाल की जिंदगी को गुजार सके। मैंने जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे ये भी कहा गया है कि यहाँ पर मास्क भी बांटे जा रहे हैं, और ये अपने आप में, जब से मैं इस मुहिम से जुड़ा हूँ, तब से पहली बार है कि यहाँ पर ये देखिए मास्क, ये जो मास्क भी बांटे जा रहे हैं यहाँ पर। इन्होंने मंगाए थे, बहुत से मास्क मंगाए थे इन्होंने, कितने आपने 1000 के करीब मास्क ये अब तक तकसीम कर चुके हैं। अभी भी 100-150 मास्क इनके पास बचे हैं, तो जिन लोगों को नहीं है, ये आपकी सेफ्टी के लिए, और ये बहुत अच्छी पहल है अब्दुल्ला फाउंडेशन की तरफ से, क्योंकि बड़े बड़े लीडर्स जो इलेक्शन के पहले अपनी पर्चियां पहुंचा देते हैं लोगों के घरों पे, आज वो मास्क या सैनिटाइजर बांटते नजर नहीं आ रहे, तो ये बेहतरीन। क्या लोगों से अपील है आपकी के जो सेहत का ध्यान नहीं दे रहे, हल्के में ले रहे इस बीमारी? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सेहत के एतबार से अपने आप को घरों में आइसोलेट करें और लॉकडाउन करें, गवर्नमेंट के आदेश का पालन करें। और दूसरी बात, ये 4 बातों का ख्याल रखना ये है। पहली बात तो ये है कि अपने हाथों को जब बाहर निकले तो अपने हाथ घर से बाहर निकलने के टाइम भी 20 सेकेंड अपने हाथों को अच्छी तरह से वॉश करें, और घर में दाखिल होने के टाइम भी 20 सेकेंड अपने हाथों को अच्छी तरह से वॉश करें, अपने चेहरे को वॉश करें, अपने पैरों को वॉश करें, ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप जब अगर आपको जैसे कि आपको कोई सिम्टम्स आ रहे, खांसी आ रही है या छींक आ रही है, तो उसके लिए आप मास्क पहने या फिर रुमाल का इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा कि अगर आप खांस हो या रुमाल का इस्तेमाल करने से, खांसने या छींकने की वजह से आपके जो ड्रॉपलेट है वो आपके मास्क या रुमाल के अंदर ही होते हैं, और दूसरों को जो है इन्फेक्ट करने से बचाया जा सकता है। और तीसरी बात ये कि अगर आपको खांसी काफी दिनों से आ रही है या कुछ ऐसे सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, तो अपने नजदीकी डॉक्टर से रजू करें और उनसे गाइडेंस राय मशवरा करें कि क्या मुझे कोई बीमारी तो नहीं, कोई कोरोना जैसी कोई इन्फेक्शन तो नहीं, इस बारे में ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से हमारे साथ और भी कुछ मेंबर्स मौजूद है, वो भी कुछ कहना चाहेंगे। कासम भाई हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे कासम भाई, क्या अपील है जो लोग मदद करना चाहते हैं यहाँ पे, आपकी फाउंडेशन के बैनर के नीचे आप हेल्प करना चाहते हैं, तो क्या कहेंगे उन लोगों को जिनके पास इस्तेदाद है इस वक्त मदद करने की? अल्लाह उनको दिया है तो फाउंडेशन की मदद करें, अल्लाह उनको खैर दे, अल्लाह उनको नेक और अव्वल मर्तबा दे। हमारे साथ मौजूद है शेख हुसामुद्दीन, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला फाउंडेशन के, वो कुछ अपील करना चाहेंगे आवाम से। भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं कहना चाहता हूँ कि ये बीमारी जो है बहुत खतरनाक है, और मास्क पहनना बहुत जरूरी है, और अपने घर में निकलना बिल्कुल मत निकलिए, घर ही में रहिए, कोशिश करिए, क्योंकि इस वक्त बहुत हालत खराब चल रही है। और हमारे पास 1000 मास्क था, हमने इसको बांट दिया है, थोड़ा बहुत और बचा है, कोशिश कर रहे हैं कि अगर फिर मिल जा रहा है तो हम ला के बांटने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हमारा जो भी है इसकी कोशिश हमारी पूरी जारी है, और जो भी हो सकेगा हम लोग अपने ताकत से ज्यादा काम करेंगे इंशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है, कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी मुमरा कौसा वालों से हमारी अपील है कि आप लोग अपना ध्यान रखिए, जान है तो जहान है, और घर से बिल्कुल बाहर मत निकलिए, नमाज घर में पढ़िए, दुआ करिए, अल्लाह से दुआ करिए, अल्लाह आसान करेंगे, सारी मुसीबतों को निकाल देंगे, इसके सिवा और कोई रास्ता ही नहीं है। अपील करेंगे उन सभी मुखिया हजरात से जो चाहते हैं कि
कुछ मदद हो जाए लोगों की, और इस वक्त लोगों को बेशक बहुत जरूरत है। इसके साथ ही हम सलाम पेश करते हैं उन लोगों को जो फाउंडेशंस हैं, जैसे कि अब्दुल्ला फाउंडेशन है, दूसरे सभी एनजीओस को, पुलिस वालों को, उन डॉक्टर्स की टीम को और उस नर्स को जो पूरी दुनिया में इस वक्त इस मौजिल वायरस से लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में लगाए हुए हैं। ऐसे लोगों को बहुत बहुत सलाम है, और आपसे भी अपील है कि लॉकडाउन का जो पालन है उसको करके इन लोगों का सहयोग कीजिए। कैमरामैन आदिल खान के साथ नजर इंडिया न्यूज़।